अगर आपको लगता है कि कोई गलत रास्ते पे है तो इसको बहुत आराम से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए इसको समझाना चाहिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो वो आपकी बात को समझेगा, दूसरा ये कि इस पर अच्छा असर होगा। अगर आप बुरे रवैये या गलत अल्फाज से समझाएंगे, उससे उसका फोकस जो होगा वो आपके गलत रवैये और बोले गए अल्फाज पे होगा, ना कि आपकी बात पे। तो किसी को भी कुछ भी कहने से पहले अपने अल्फाज की दुरुस्तगी कर लें। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी करेले, आलू और चिकन। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो ये करेले जो है नहीं खाते क्योंकि उनको कड़वे लगते हैं। तो आज मैं जिस तरीके से बताऊँगी वो ना तो कड़वे लगेंगे और ना इसका टेस्ट आपको बुरा लगेगा, बहुत मज़े के होंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने करेलों को नमक लगा के रख देने तकरीबन एक घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने उसको फ्राई कर लेना, ठीक है। मैंने करेले फ्राई कर लिए, उसके बाद प्याज डाला है वो फ्राई किया, ये मसाले वगैरह मैं यहाँ पे रख दिए हैं। तो जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसमें ये कटे हुए टमाटर, तीन टमाटर मैं लिए हैं काट के रख लिया, और ये आलू हैं ये साथ में मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं, दो आलू लिए हैं। इसमें चिकन जो है वो मैंने इसमें मसाला लगा लिया था, तो चिकन में मैंने डाला था सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। यहाँ प्याज ब्राउन हो चुका है तो इसमें मैं साथ में टमाटर डाल लिए हैं, टमाटर और साथ में हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने काट के साथ डाल दी थी। और अब ये जो है नमक, अब अपने अपने हाथ से ज़रूर डालना है, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ये डाल देना है इसको, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी डालने से ये होगा कि आपका जो मसाला होगा, टमाटर जो होंगे वो नरम हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हल्का सा इसको मैंने मतलब दबाया। तो उसके बाद क्या करना है, इसमें आलू डाल देने हैं, आलू डालने के बाद जो साथ थोड़ा पानी डालना है, और फिर इसमें जो आपका चिकन है वो डाल लेना है, ठीक है। तो इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको ढांप के ऐसे रख देना है, हल्की आँच पर ढांप के रख देना है। साथ में फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी थी, तो जब तक मेरी रोटियाँ बनेंगी तब तक साथ में सालन भी रेडी हो जाएगा, तो फिर आपका टाइम जो बच जाता है। तो सालन जो है वो मैंने हल्की आंच पे रख लिया था, तो इसको साथ साथ आपने बीच में चम्मच चलाई जाना है, देखना ताकि ये ना हो गया कि नहीं हुआ, यानी कि जिसके आलू वगैरह जो चिकन है वो पक गया कि नहीं पका, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मम्मा घर पे नहीं थी तो फिर मुझे ये सालन और रोटियां बनानी पड़ी थी। तो ये कि आपको हर काम आना चाहिए, ख़ासतौर पे घर का ये जो खाना वगैरह ये तो लाजमी बनाना चाहिए, ताकि अगर आपकी मम्मा वगैरह अम्मी अबू सॉरी अबू तो नहीं बनाते हैं, हाँ कई लोगों के अबू भी बना देते हैं, तो खैर हमारे तो नहीं बनाते, तो और ऐसा बुरी बात नहीं है अगर वो बना ले तो ये कि फिर आपको बनाना आना चाहिए। घर पे ना हो अम्मी तो आप खुद कुकिंग कर लें, और ये मेरी रोटियाँ भी यहाँ पे तैयार हो गई हैं, साथ में सालन चेक कर लेती हूँ ये आलू वगैरह से गल गए कि नहीं गले। तो यहाँ मैंने ढक्कन उठाया तो भाप जो थी वो मेरे मोबाइल को लग गई तो मुझे बंद करना पड़ा। अब मैं दोबारा चेक किया तो ये आलू हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो मसाला, ये मसाला जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ज़्यादा करना चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो ग्रेवी होती है प्याज टमाटर वगैरह डाल के आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो करेले मैंने किए थे ब्राउन किए थे वो इधर ये बन चुके हैं, सॉरी इसमें करेले वो डाल दिए मैंने, तो अब सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको चेक करूँगी इसका टेस्ट, मिर्च नमक जो है इसमें पूरा है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं सालन डाला है अपने प्लेट में, तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, तो बिल्कुल हर चीज़ पूरी थी। तो ये कि अगर आपको मिर्च नमक कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं।